संबोधन होने के बाद में निकला हुआ जनसैलाब आप देखिए, और उसी जनसैलाब को हम आपसे रूबरू कर रहे हैं कि कैसे बड़ी पैमाने बड़े पैमाने पर बयान मार्ग को सुनने के लिए तमाम मोरेना की 6 विधानसभा से लोग ठीक है मामा ने तो सिकंदर खाएगा पटवारी ने पुलिस जवान ने सिकंदर खाएगा वो कांग्रेस में आ रही कांग्रेस ने कहा करो कांग्रेस तो अपने माम रहे थे अपने भरे में आती याद है वो आती ईवीएम में अगर गड़बड़ी करते हो सरकार फिर से पलटी जाएगी सरकार नहीं चलेगी फिर ऐसे इस प्रकार से क्या बताएं क्या कारण था 10,000 लोगों को यहाँ पर लाने का बहुजन समाज पार्टी जीत रही है ना किया मामा जी ने पूरा देश बेच डाला LIC को बेच डाला पूरी तरह से खत्म कर दिया भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार बन चुकी है कांग्रेस को देंगे मौका बिल्कुल नहीं देंगे कांग्रेस को मौका दे दिया कांग्रेस के विधायक हमारे 35-35 करोड़ में बिके माल हमारे जीतेगा हाथी जीतेगा क्या कारण है हाथी जीतने का वहाँ पर जीतना ही है कुछ किया ही नहीं भाजपा ने क्या किया है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की रैली मुरैना के अंदर में है और जहां पर बहन मायावती संबोधन कर चुका है और ये संबोधन होने के बाद में निकला हुआ जनसैलाब आप देखिए और उसी जनसैलाब को हम आपसे रूबरू कर रहे हैं कि कैसे बड़ी पैमाने बड़े पैमाने पर बहन मायावती को सुनने के लिए तमाम मुरैना की 6 विधानसभा से लोग आए हुए हैं तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे जानेंगे समझेंगे क्या कुछ कह रहेंगे क्या बताया बहन मायावती ने किसका माहौल देख रहे हैं मायावती को क्या लगा ये आज की जो भीड़ देखकर क्या सोच रहे बढ़िया लगता है 6 विधानसभा में बसपा आएगी आएगी क्या कारण लगता है हाँ आती आएगा कांग्रेस नहीं चाहिए ना भाजपा चाहिए हमें कोई नहीं चाहिए अब यहाँ से तो बता रहे हैं मुरैना से कि कांग्रेस का माहौल है क्या बताएं क्या नाम है कदम सिंह कहाँ से आए हो पीपरीपुरा मुरैना से कितने लोगों के साथ आए कम से कम 1,00,000 लोगों के साथ आप कितने लोगों के साथ आए हम आए कम से कम 10,000 आदमी के साथ क्या बताएंगे क्या कारण था 10,000 लोगों को यहाँ पर लाने का बहुजन समाज पार्टी जीत रही है ना पूरी 6 सीट जीत रही है मुरैना से मुरैना में तो कांग्रेस का माहौल नहीं है पूरा वर्चस्व बहुजन समाज पार्टी का है क्या कारण लगता है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी रैली कर रहे हैं कोई असर नहीं है कोई असर नहीं है केवल BSP है मामा जी तो यह कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश को नंबर 1 जनता पलट गई क्या बोले मामा ने केवल घोषणा की है घोषणा उन पे अमल नहीं की है मामा जी ने नंबर 1 कर दिया मध्य प्रदेश कुछ नहीं किया मामा जी ने पूरा देश बेच डाला LIC को बेच डाला पूरी तरह से खत्म कर दिया भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार बन चुकी है कांग्रेस को देंगे मौका बिल्कुल नहीं देंगे कांग्रेस को मौका दे दिया कांग्रेस के विधायक हमारे 35-35 करोड़ में बिके आम आदमी के चुनावी वोट को जिसको अम्बेडकर जी ने कितनी मेहनत करके 2 वोट का अधिकार दिया हमें वो हमारे वोट को लेकर बेच भाग गए बहन मायावती को सुनने के लिए क्यों आए वो बहन मायावती को सुनने के लिए इसीलिए आए कि वो हमारे सपोर्ट में हैं हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाती हैं वो और बात कांग्रेस भी कहती कि हम भी कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया बहुजन समाज पार्टी तो ये काफी सारे लोग यहाँ पर दादाजी कहाँ से आए हैं विधानसभा क्या लगता है दिमने में किसका माहौल है दिमने में तो BJP का माहौल है नहीं बहुजन समाज पार्टी का अरे केंद्रीय मंत्री को लड़ा रहे मंत्री जी को लड़ा रहे वहाँ से BJP मतलब बहुजन समाज पार्टी करेगी क्या कारण है बसपा आने का बसपा क्यों आएगी अच्छा पूछ लो मोड़ने खत्म को मोड़ा खत्म को बता दी मोड़ा खत्म मोड़ा करेगा तो बता दो आपको आप किसको वोट करें आप किसको वोट कर सकते हैं हम बहुजन समाज जी के वोट देंगे कब से वोट कर रहे हैं 40 साल से जब से वोट करने का अधिकार मिला हाँ और कहा अच्छा यहाँ पर और भी और काफी सारे लोग हैं यहाँ पर सभी से थोड़ा थोड़ा जानने समझने की कोशिश करेंगे जी क्या नाम है आपका कहाँ से आए हो मुरैना विधानसभा से नहीं देवनी विधानसभा अच्छा क्या लगता है आपके विधानसभा में किसका माहौल है माहौल तो हमारे वही जीतेगा हाथी जीतेगा क्या कारण है हाथी जीतने का वहाँ पर जीतना ही है कुछ किया ही नहीं भाजपा ने क्या किया है भाजपा ने तो अभी जो शिवराज सिंह चौहान मामा जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 कर दिया है सब कुछ लाडली योजना दे दिया है पेंशन दे दिया है और क्या यहाँ पर जो महंगाई है उसको खत्म कर कुछ नहीं किया है हाथी जीत रहा हूँ भोपाल जा रहा हूँ हाथी क्या कारण हाथी आएगा हाथी आ रहा हूँ मेरवाया हाथी आई तो हाथी आया
ये बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है ये तो जी। आपको क्या लगता है, क्या लगता है, सब क्या बोले? बीजेपी ने अगले पिछले 5-7 साल में जो भर्ती नहीं निकाली है, और निकाली भी तो क्या बोलते हैं पटवारी भर्ती, उसमें भी घोटाला। 2 करोड़ का रोजगार तो मोदी जी ने दिया था। अरे मोदी जी केंद्र में, आप विधानसभा की बात कर रहे हो, यहाँ पे कौन विकास कर रहा है? मामा जी कह रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा रोजगार दिया। मामा ने तो भांजे की हत्या करते ही ठीक है, मामा ने तो सिकंदर ने खाए हुआ, पटवारी ने पुलिस वाले ने सिकंदर खाए हुआ वो ठीक है, और मामा ने तो ऐसी करी है जो 1,000-1,200 रुपये तक का हीरोइन का 250 रुपया बिल। अगर मैं अपने घर का बिल दिखाऊ ना तो बिल धरोगा 1,000 रुपया महीना को, और बीच में 1,500-1,500 रुपया हुए हैं, बाद में क्या होगा कहते हैं माफ करते हैं भाई के ऊपर वोट ले लेंगे तो अपना मिलते, अब तो भाई भी नहीं तो क्या कांग्रेस को लाएंगे? कांग्रेस भी ना आ रही, कांग्रेस ने कहा करो, कांग्रेस तो अपने काम रहे तो अपने भरे में आती याद है वो आती। कौन से विधान जोगा चेतर आपको सुमावली विधानसभा कुलदीप से करवार, युवा नेता युवा चेहरा, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, बीजेपी वालों के ऊपर दाग है, कांग्रेस वालों के ऊपर दाग है ठीक है, कुलदीप सिकरवार के ऊपर कोई दाग नहीं है, और वो सबके साथ रहता है पिछले पांच साल से घूम रहा है क्षेत्र में। अच्छा आप कह रहे हैं कि अभी आप अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे, बसपा के प्रत्याशी को, लेकिन वोट करने के बाद में ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है? नहीं हो ईवीएम में गड़बड़ी ठीक है, ये ईवीएम वाला तो ठीक है चलता था तब चलता था, अब कोई गड़बड़ी नहीं, जनता करेगी जो होगा, जनता ने अगर हाथी का बटन दबाया है तो हाथी ही निकलेगा उसमें से। बहन जी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, क्या बताएं? वो पहले होती थी, अब नहीं होगी। अगर हो गई तो नहीं होगी, अब क्या गड़बड़ी नहीं हो सकती ना ईवीएम में, जब जनता हाथी का बटन दबा रही है तो जनता के वोट निकलेगा, ईवीएम में अगर गड़बड़ी करते हो सरकार फिर से पलटी जाएगी, सरकार नहीं चलेगी फिर ऐसे इस प्रकार से। क्या बोल रहे, सरकार भोपाल में ही बैठेगी, हाथी जीतेगा। तो यहाँ पर ये तमाम जो चर्चा बातचीत हम कर रहे हैं कि क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं ईवीएम को लेकर, यहाँ तक कि शिवराज चौहान को लेकर, कांग्रेस की सरकार तमाम चीजों को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं, और प्रतिक्रिया को लेकर हम तमाम चीज आपसे साझा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर में तमाम विधानसभा की चौथी में क्या कुछ होगा, पूरी बातचीत को लेकर क्या किया प्रतिक्रिया लेकर जरूर बताए बड़े नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।